शहर की जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और शहर विकास कार्यों को सौगात लिए दुर्ग नगर निगम की कल बैठक होने जा रही है। इस बार लाभ का बजट पेश होने की बातें महापौर ने कही है। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा अपने बजट सत्र में इस बार भी शहर की जनता के हित में मूलभूत सुविधाओं और शहर विकास कार्यों की सौगात लिए मंगलवार को अपनी बजट सभा में लगभग 13.5 लाख का लाभ का बजट पेश करने जा रही है। हम बता दें कि दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा में कल दुर्ग के BIT कॉलेज के सभागार में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व वित्त प्रभारी दीपक साहू अपना लेखा जोखा सभा में उपस्थित करेंगे। साथ ही आगामी वर्ष 2022-23 के लिए राज्य आय व्यय के लिए अनुमानित 465,95,43,000 रखा गया है। इस संबंध में न्यूज टीम को दुर्ग महापौर वित्त प्रभारी ने प्रतिक्रिया दी। प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है। लगभग सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सर्वहारा वर्ग के विकास को लेकर लगातार प्रयास जारी है। और जैसा कि आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी भरोसे का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, चाहे हमारे पत्रकार साथी हो, चाहे हमारे मितानिन आंगनबाड़ी की बहनें हो, चाहे थर्ड जेंडर हो, सभी वर्गों को ध्यान में रख के बजट प्रस्तुत हो। उसी प्रकार से नगर निगम दुर्ग द्वारा भी, जो पिछले 20 सालों से दुर्ग शहर का विकास लगभग ठप्प था, 15 साल बीजेपी की, 20 साल बीजेपी की परिषद थी, आप देखते होंगे दुर्ग शहर धीरे धीरे ग्रामीण परिवेश में बदलते जा रहा था। आज आप देख रहे होंगे नेहरू नगर से मिनी माता, मिनी माता से अंजोरा, मिनी माता से अंडा, जितनी शहर की प्रमुख सड़कें हैं जिसमें चौड़ीकरण भी हो रहा है, सौंदर्यीकरण भी हो रहा है, लाइटनिंग भी हो रही है, चाहे बाहर की सड़कें हों चाहे अंदरूनी सड़कें हों, लगभग सभी जगह लगातार विकास जारी है। तगड़ा बांध को आप देख रहे होंगे, लोक कला मार्ग देख रहे हैं, और पुराने समय के बनाए हुए जितने भी कार्य थे, लागत के हिसाब से आप देखो तो पुष्प वाटिका की हालत आप देख रहे हैं, चौपाटी की हालत आप देख रहे हैं, तारामंडल दिख ही नहीं रहे कहाँ है, जल कलश को आप देख लीजिए, पूरे शासन के पैसे का दुरुपयोग करने का काम पिछले 20 सालों में किया गया। अभी लगातार जब से परिषद कांग्रेस की बनी है, माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में लगातार शहर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये आने वाला भी जो बजट है सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रख के ये बजट को बनाया गया है। जहां एक तरफ शहर के नालों में बड़े बड़े नाले बनाए जा रहे, जल भराव की स्थिति आप देखते होंगे, पिछले 3 साल पहले पूरे शहर में थोड़े से बरसात में पानी भर जाता था, शंकर नाला का काम आप देखते होंगे 3 साल में कितना हुआ है, और उसी को देखते हुए जिन एरियाओं में अभी जल भराव की स्थिति है उसको भी ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े नालों को भी बजट में लिया गया है, धूल मुक्त करने के लिए प्योर ब्लॉक और रोड वाइडनिंग को भी बजट में लिया गया है, और ऐसे बहुत से कार्य जो हम कल 28 तारीख को बजट पेश करेंगे उसमें आपको दिखाई देगा। कल दुर्ग नगर निगम का बजट पेश हो रहा है, उसमें जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के जनता के हित में जिस प्रकार बजट पेश किए, उसी के मार्गदर्शन पर और माननीय विधायक महोदय के दिशा निर्देश पर हमारा दुर्ग नगर निगम का बजट पेश होगा, जिसमें हमारे दुर्ग निगम के महापौर और हमारे MIC के सब सदस्य के सहयोग से सभी वर्गों के लिए बजट लाभदायी है। और इस बजट में ना कोई शहरवासी के लिए कोई एक्स्ट्रा टैक्स है, बल्कि शहर के विकास में कई मुद्दे जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्रमुख है शमशान घाट का, कब्रिस्तान का उन्नयन, और जैसे गरीब वर्ग के लिए 2,000 रुपया लकड़ी और कंडा के लिए मिलता था, वो सभी वर्ग के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। तीसरा चीज़ है कि हमारे निगम के सभी वार्ड में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ खेल को प्राथमिकता देते हुए बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जाएगा, और
इसी के अनुसार हमारे नगर निगम के बजट में कल का बजट जो होगा लाभ का बजट होगा 13,35,000 लाभ का बजट है। और हमारा जो बजट है वो 465,93,43,000 का बजट पेश होगा और इसमें सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए बजट लिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।